नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शानदार हैट्रिक, आपने एक तरफा मुकाबले में भाजपा को दी करारी मात। दिल्ली में शानदार हैट्रिक लगने के बाद बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, काम की राजनीति की हुई जीत, जनता ने काम करने वालों का दिया साथ। दिल्ली में शानदार जीत के बाद हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जीत के बाद पहले भाषण में हनुमान जी को भी दिया धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, बर्थडे पर बहुत बड़ा तोहफा मिला, दिल्ली वालों ने सच को जिताया। दिल्ली में नहीं खुला कांग्रेस का खाता, 67 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त, प्रदेश अध्यक्ष की बेटी भी चुनाव हारी, कांग्रेस के सिर्फ 3 उम्मीदवार ही जमानत बचा पाए। हार दिल्ली चुनाव में भाजपा की बड़ी हार के बाद बोले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, हार के कारणों की करेंगे समीक्षा, अरविंद केजरीवाल को दी बधाई। दिल्ली में भाजपा की बड़ी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, हमें जनादेश मंजूर। दिल्ली चुनाव में भाजपा का नहीं चला शाहीनबाग का दाव, ओखला सीट से आपके उम्मीदवार अमनतुल्लाह को मिले 84% से अधिक वोट। दिल्ली चुनाव में काउंटिंग के बाद शाहीनबाग नजर आ रहा है खाली खाली, लोगों ने मौन रहकर दिया धरना। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गजों ने दर्ज की जीत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिलीप पांडे ने दर्ज की जीत। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमकर जश्न, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दी बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जाति पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, काम पर नहीं सब कुछ फ्री देने पर जीता चुनाव। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में गैंगरेप के दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद, साकेत कोर्ट का फैसला, सभी 19 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल, संसद में भी सुनाई दी गूंज, कोर्ट के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए दलित सांसद। 24 और 25 फरवरी को 2 दिन के भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अहमदाबाद का भी करेंगे दौरा, व्हाइट हाउस ने दौरे की तारीखों पर लगाई मोहर। मध्य प्रदेश में राइट टू वॉटर एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कमलनाथ सरकार का मंथन, जल पुरुष राजेंद्र सिंह समेत देश भर के पर्यावरणविद ले रहे हैं हिस्सा। गिरावट के बाद शेयर बाजार में दिखाई दी तेजी, सेंसेक्स में 236 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 76 अंकों का आया उछाल। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार, 40,000 से अधिक वायरस की चपेट में। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में पूजा हेगड़े होंगी सलमान खान की हीरोइन, इस फिल्म में गांव की लड़की का किरदार निभाएगी पूजा, फराज सामजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म ईद 2021 पर होगी रिलीज। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के रोमांस की खबरें बटोर रही है सुर्खियां, शादी के सवाल पर अर्जुन ने कहा, मुझ पर शादी को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं, जब फैसला लूंगा तो सबको बताऊंगा। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।